Hey foodies, today we will prepare veg tikki barbecue sizzler at home in restaurant style, जो कि बहुत ही ज़्यादा धुएँदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है खाने में। ये देखिए आप कितना मज़ेदार लग रहा है ये। We will make all the aloo tikki, white sauce, veggies, barbecue sauce, fried rice, step by step। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा normal है, but हम बनाएंगे इसे बहुत ही ज़्यादा नए अंदाज में और बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगने वाला है हमारा veg sizzler। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हमारा veg tikki barbecue sizzler। ए फूडीज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा वेज बारबेक्यू सिज़लर। इसके लिए सबसे पहले हमने ये 2-3 पटैटोज ले लिए हैं। ये बड़े पटैटोज थे, हमने इसको बॉईल कर लिया है, अच्छे से मैश कर लिया। इसमें गुटले नहीं रहने चाहिए टिक्की बनाने के लिए। फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है सिज़लर का, तो मैं सारी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। फ्रेंड्स, इस आलू में हम मिला लेंगे, हमने जो है कैरेट्स और कैप्सिकम और प्याज, इनको हमने बारीक बारीक ग्रेट कर दिया है। ये वेजीज हम इसमें ऐड कर लेंगे, 1/2 कप के करीब वेजीज है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में हम डाल देंगे 1 चम्मच हमारा लाल मिर्च, हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी हम डाल, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ था ये 1/2 टीस्पून के करीब हम ये डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे हम बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, ये 1/2 कप ब्रेड क्रम्स हमने डाले हैं, इससे हमारी टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर रेडी होगी। और फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारा 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर से इसको बाइंडिंग और अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमको इसके टिक्की को फ्राई भी करना है। और फ्रेंड्स, इसकी हम 3-4 टिक्की बना के प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरीके शेप की हमको टिक्की बना लेनी है, थोड़ी मोटी, से 4 टिक्की प्रिपेयर हो जाएगी। ये हमने प्रिपेयर कर ली है। अब उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, हम इसके अंदर इसको इस तरीके से डिप करेंगे और इस तरीके से हम इसको बना के रख लेंगे, तो जितना भी मॉइस्चर होगा इसका वो खत्म हो जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी टिक्की बना के हमने रेडी कर ली है। अब इसका सिज़लर का थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा बारबेक्यू सॉस। अब हम वो प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सिज़लर का हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। बारबेक्यू सॉस के लिए हमने पैन गर्म होने रखा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम लेंगे ये गुड़, यानी कि जैगरी। ये हमने 1/2 गुड़ जो होता है, यानी कि 2 चम्मच हो गए, इनको हमने कूट लिया है। आप सोचेंगे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है, गुड़ भी डलता है कोई सॉस में, बट यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। फ्रेंड्स, इसे हम डाल लेंगे, साथ में हम डाल देंगे इसमें इमली का पानी। इमली को हमने पानी में, गर्म पानी में भिगो लिया था, ये हम डालेंगे। इससे इसमें सॉस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसे इसमें अच्छे से डिजोल्व होने देते हैं। ये देखिए, हम इसे हिलाते रहेंगे। अब ये हमारा अच्छे से डिजोल्व हो गया है और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, 2 तेज पत्ते हमें डालने हैं, इससे अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। फिर हमने जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है लाल मिर्च, और उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है 1 टीस्पून। देन वी विल मिक्स इट गुड, और उसके बाद में जब इसमें थोड़ा सा बॉइल आ जाएगा, हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा ये सॉस। बेस देने के लिए हमने इसको सॉस दिया है, जो टमाटो केचप है, हमने 1 कप के करीब टमाटो केचप ले लिया है। और उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा ये सोया सॉस 2 टीस्पून, इससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर आएगा। 2 टीस्पून हमने विनेगर डाल लिया है, अच्छे से मिक्स करने देंगे और इसको बॉईल आने देंगे। कम से कम 5 मिनट तक हमको इसको बॉईल होने देना है। उसके बाद हम इसके अंदर ये डाल देंगे हमारे कॉर्नफ्लोर के अंदर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी मिलाया था हमने, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको थिकनिंग देगा, साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। फाइनल हमारा बारबेक्यू सॉस बनके रेडी है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बनना फ्राइड राइस हमारे सिज़लर्स के लिए। हमने देखिए क्या क्या वेजीज लिए हैं। सबसे पहले हमने कॉर्न्स ले लिए हैं यहाँ पर 1/2 कप के करीब, ये हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिए हमारे कैबेज। फिर हमने 1/2 कप के करीब ले लिए हैं हमारे अनियंस, चॉप कैप्सिकम और चॉप कैरेट्स ले लिए हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने राइस को है बॉयल करके रखा हुआ है ऑलरेडी से, हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ऐसा खिला खिला ही राइस रखना है। ये मैंने 1 कप के करीब यहाँ पे राइस पूरे बॉयल कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, फ्राइड राइस को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें 2 टीस्पून हमने बटर डाल दिया है। बटर मेल्ट होते ही हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, देन वी विल ऐड कॉर्न्स 1/2 कप, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा, इसमें बाहर का अमेरिकन कॉर्न जैसा फ्लेवर आ जाएगा बटर में ऐड होने से। फिर हमने कैबेज डाल दिया है ग्रेटेड, ये हमने ग्रेटेड कैरेट डाल दिया है, कैप्सिकम हमने ऐड कर दिया है इसमें, और इसमें अनियंस भी डाल दिए हैं। जो भी आपके पास जो वेजीज अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। फिर इसमें सॉल्ट डाल दिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दिया है, और ये चाट मसाला डाल दिया है 1 टीस्पून हमने, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून विनेगर, ये हमने अच्छे से ऐड कर लेना है। और ये काली मिर्च भी हमने 1/2 टीस्पून डाल दी है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे हमारे राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे, ज़्यादा बॉईल नहीं करे थे। इनको हम अच्छे से हिला लेंगे। ये हमारा फ्राइड राइस बनके एकदम रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट चीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं।
अब फ्रेंड्स व्हाइट सॉस वेजीज प्रिपेयर कर लेते हैं। पैन गरम हो गया है, हमने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। अब 2 चम्मच मैदा डाल दी है, इसे ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा 1 कप के करीब मिल्क। ये मिल्क डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ब्लैक पेपर, नमक और साथ में चिली फ्लेक्स एंड मिक्स हर्ब्स, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ वी विल ऐड इसमें 1/2 कप से मोज़रेला चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ डाला है, इसे बहुत चीज़ का टेक्स्चर आएगा। अब इसमें डालने की वेजीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स वेजीज़ में हमने कुछ एक्जॉटिक वेजीज़ लिए हैं, लाइक बेबी कॉर्न्स लिए हैं, मशरूम्स लिए हैं, कैप्सिकम्स, कैरेट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इनको एक बॉईल ले लेना है ताकि आराम से फोक से खाते वक्त टूट जाए इस तरीके से। अभी फ्रेंड्स इस क्रीमी से सॉस में हमको ये 1/2 ऑफ दी हमारी बॉइल्ड वेजीज है वो डाल लेनी है, 1/2 हमने प्लेन रखनी है, हमें प्लेन सर्व करेंगे। और अब इसमें से देखिए कितना चीज़ी सा इसका फ्लेवर आ गया है, हमारा रेडी है व्हाइट सॉस। अब फ्रेंड्स प्लेन वेजीज भी फ्राई कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, हमने इसमें 2 टीस्पून बटर डाल दिया है। अब ऐड कर लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम 1 टीस्पून के करीब। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें हमारी वेजीज डाल देंगे जो हमने बचा के रखी थी। और इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा नमक। ये हमारे वेजीज रेडी हो गए हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम हमारी फ्रेंच फ्राइज प्रिपेयर कर लेते हैं। सिज़लर के लिए तेल हमारा एकदम हॉट हो गया है, अब इसे तेज आंच पे ही हमने तलना है। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज पहले से ही यहाँ पर बना के रखे हैं। ये देखिए, अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। मैंने 2 आलू के फ्रेंच फ्राइज बना लिए हैं। अब हम इन्हें तेल में ऐड कर लेंगे और इन्हें तेज आंच पे ही हम फ्राई होने देंगे कम से कम 1-2 मिनट के लिए। अच्छे से इन्हें हमें क्रंची कर लेना है। लेते हैं जो टिक्की हमने प्रिपेयर करके रखी थी, इन्हें एक एक हम फ्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में हमने अच्छे से लपेट दिया था, अब हम इसे यहाँ पे डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। लड़की हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई है। ये हमारी व्हाइट सॉस वेजीज प्रिपेयर हो गई है, ये हमने नॉर्मल वेजीज है वो प्रिपेयर कर ली है, ये हमारा बारबेक्यू सॉस रेडी हो गया है, ये फ्राइड राइस हमारे रेडी हो गए हैं, फ्रेंच फ्राइज फिंगर फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं और साथ में हमारी टिक्की भी हमने रेडी कर ली है। तो अब इनको हम असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब सिज़लर को असेंबल करना शुरू करते हैं। सिज़लर हमेशा सिज़लर प्लेट में बनता है, इस तरीके से सिज़लर प्लेट होती है ये। तो ये प्लेट को हमको गैस के ऊपर रखना है, उसे गर्म करना है। नो वरीज, अगर आपके पास ये प्लेट अवेलेबल नहीं है तो आप जो लोहे का तवा होता है ना हम डेली यूज़ में लेते हैं उस पर भी आप उसे बना सकते हैं, बट उसे सर्व आप खुद ही करिएगा। उस पर जब गर्म हो जाएगी वेजीज तो आप उसे सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको हमारी ट्रे को निकाल लिया है हमने, अब हम इसको गर्म कर लेते हैं अच्छे से कम 4 मिनट के लिए हम इसे गर्म करेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें एक एक चीज़ हमारी असेंबल करेंगे। फ्रेंड्स सिज़लर को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी लगा लेंगे, पूरा पैन कवर कर लेंगे क्योंकि इस पर जब हम सिज़लर डालेंगे तो वो बिल्कुल भी चैठेगा नहीं पैन से हमारा इस तरीके से। सबसे पहले हम एक टिक्की रख देंगे साइड में, फिर हमारे फ्राइड राइस है वो हम एक तरफ रख देंगे, अच्छे से हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर नेक्स्ट हम जो हमारे व्हाइट सॉस वेजीज थे वो हम यहाँ पे एक तरफ लगा देंगे। उसके बाद में हम हमारे जो प्लेन वेजीज हैं ये हम एक तरफ लगा देंगे यहाँ पर साइड में। नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर हमारे फ्रेंच फ्राइज जो हमने बनाए थे वो हम लगा देंगे। इस तरीके से सारे वेजेज असेंबल कर लेंगे। फिर हम बारबेक्यू सॉस था हमारा वो हम ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा फ्राइड राइस के ऊपर, थोड़ा सा वेजीज पे, इस तरीके से। फ्रेंड्स फाइनली हमारे सिज़लर को एक सिज़लिंग लुक देने के लिए हमने यहाँ पर ये जो है बटर, थोड़ा थोड़ा बटर जो होता है वो हमने यहाँ पे अमूल बटर ऐड कर लिया है। इससे बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर इसमें आने लगेगा। ये देखिए स्मोक इसमें निकलने लगा है, ये गर्म होने लगा है और बहुत ही सिज़लिंग सा इफेक्ट आ गया है हमारे इसमें। अब हमें गर्म गर्म सिज़लर को हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये धुएँदार सी सिज़लर की रेसिपी घर पर बनाकर आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको सिज़लर अच्छा लगे तो हमारे चैनल द सिबलिंग किचन को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और पास में लगे बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी रेसिपीज हम आपके साथ और लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।